तो आज फिर हम इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटी की एंड जिस आईआईटी को हम आज डिस्कस करेंगे जिनके नोटिफिकेशन को वो है आईआईटी हैदराबाद सो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो एज़ आई सेड आईआईटी हैदराबाद सो यस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद की तरफ से भी इन्वाइट किए गए हैं एप्लीकेशन फॉर पी एच एंड उसी को हम देखने वाले हैं आज उस वीडियो में सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा जो कि है आई उसके बाद स्क्रॉल करने पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा पीएचडी एडमिशन पोर्टल का सो पीएचडी एडमिशन पोर्टल इज नाउ ओपन एंड क्लिक हियर टू अप्लाई तो रीड मोड पे क्लिक कर सकते हैं सो दैट नेक्स्ट पोर्टल ओपन हो जाए नाउ ये नेक्स्ट पोर्टल है एंड इसमें आपको फ्लायर दिख रहा है पीएचडी एच एडमिशन का फॉर जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी ओके लास्ट डेट क्या है लास्ट so, डेट है फोर्टीन ऑफ अक्टूबर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें इस वेबसाइट पे विजिट करना है जिसपे अभी हम विजिट करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है सो डिपार्टमेंट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिजाइन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंटरप्रन्यरशिप एंड मैनेजमेंट लिबरल आर्ट्स दैन मटीरियल साइंस एंड मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ़िजिक्स हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आप सोच रहे हैं कि एच एस एस कहाँ है, तो लिबरल आर्ट्स में ही आपको देखने को मिलेंगे एच एस एस के डिसप्लिन एंड एरियाज के नेक्स्ट यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की आई टी हैदराबाद की जो भी हाई लाइट्स हैं अच्छी अच्छी बातें हैं वो लिखी हैं सो इसे देख लीजिएगा एप्लीकेशनस ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट uh, होंगे सो एप्लीकेशन ऑनलाइन करने हैं आपको यहाँ पे फिर से लिंक दिया हुआ है सो so, फिर से हम जब स्टार्टिंग में देखेंगे तो दो ऑप्शन एक तो था क्लिक टू अप्लाई एंड ओपन सो क्लिक पे फिर से हम सो so जितने आपने देखे उनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल है जो ओपन होगा एंड ये है सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टल बिकॉज यहां पर सारी इंफॉर्मेशन है सो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डेड लाइन है 14th 2022, यहाँ पे कुछ ब्रीफ पॉइंट्स लिखे हैं ओवर लिखा है जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है वो है डायरेक्ट एडमिशन तो बिना गेट के रिक्वायरमेंट के भी जो सी सी एफ टीआईस के स्टूडेंट वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सो so, अगर बीटेक किया है, आपने CFTI, say, या ज़्यादा है तो गेट तो की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है that, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं होम है ब्रोशर है डिपार्टमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट डेट्स हैं लॉग इन एंड कॉन्टैक्ट सो कॉन्टेक्ट का सेक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई इशू है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट है फोर्टीथ ऑफ अक्टूबर डिपार्टमेंट्स वैसे हमने ऑलरेडी देखे हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं उसके बाद यहाँ इंस्ट्रक्शन हैं टू फिल एप्लीकेशन तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे फिर लॉग इन करेंगे इसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अपने डिपार्टमेंट को चूज़ करके फर्दर प्रोसीड करेंगे जो भी ऑप्शन आपको दिखेंगे एप्लीकेशन फ़ी कितनी है सो so, अगर आप फुल टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेल कैंडिडेट हैं जनरल ई डब्लू एस ओ बी सी के तो 500 फ़ी है बट अगर आप फीमेल हैं या एस सी एस टी पी एच हैं कि मेल हैं तो बेसिकली फीमेल हर कैटेगरी की बट मेल इनके तो आपके लिए 250 है एप्लीकेशन फ़ी एक्सटर्नल पार्ट टाइम पीएचडी के लिए सभी के लिए 500 हंड्रेड एप्लीकेशन फ़ी है पेमेंट आपको एस बी आई कलेक्ट के थ्रू करना है ऑनलाइन करना है रेफरेंस नंबर वगैरह सेव कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड आई मीन जो भी रिसीट होगा उसे सेव करके रखिएगा देन एप्लीकेशन फी पे करने के लिए क्लिक पे क्लिक भी कर सकते हैं स्टेप सिक्स है सबमिट करना एंड देन स्टेप सेवन है प्रिंट आउट लेना है एटलीस्ट सेव कर लीजिएगा अपने क्लाउड या कहीं पर भी देन अगर आपको रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल जाती है तो उस केस में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट रेफरेंस डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स आपको लेकर के जाने होंगे ओके यू विल नीड टू कैरी दैट नेक्स्ट इज स्टेप नाइन सो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली तो अगर एक से ज्यादा के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना होगा एंड बाकी लॉग इन करके आप डिपार्टमेंट्स को चूज़ कर सकते हैं देन यस yes, यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इंस्ट्रक्शन थे देन यहाँ ब्रोशर है देन डिपार्टमेंट्स हमने देख लिए हैं तो पहले हम एक बार ब्रोशर अब ओपन करते हैं बट उससे पहले एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको वैसे तो मैं जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वहीं कवर करती हूँ बट कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जिसके लिए जिससे रिलेटेड हर बार आपको क्वेरी होती है तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट्स पे क्लिक किया आपने तो ये डिपार्टमेंट्स हैं ओके सो तो ये सिर्फ नाम नहीं है ये इनफैक्ट लिंक्स भी हैं तो आपको सपोज बायोटेक या किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा एक बार एक्सप्लोर कर लीजिएगा चीज़ों को जैसे बायोटेक पर क्लिक किया तो क्विकलिंग्स में पी एच डी का ऑप्शन भी है सो so वो देख सकते हैं जो भी अपडेट्स आते हैं वो यहीं पर आते हैं ठीक है इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं इसी तरह से जिस भी डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर है सो अगेन यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज चीज़ें अवेलेबल हैं तो मैं एक डिपार्टमेंट देख लेती हूँ एंड लिबरल आर्ट्स के बाद भी हम करेंगे एंड इसके बाद आपका जो भी डिपार्टमेंट है प्लीज़ उसके ब्रोशर को स्पेसिफिकली डाउनलोड करके देख लीजिएगा तो सबसे पहले एक बार हम

एम एस भी किया है रेलिवेंट डिग्री सॉरी रेलिवेंट आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए अगर बैचलर्स डिग्री है डायरेक्ट करना चाहते तो भी आप एलिजिबल हैं ठीक है सो सेकंड पॉइंट देखिए कैंडिडेट जिनके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मास्टर्स डिग्री साइंसेज में है अलाइड एरिया में एंड आपके पास वैलिड गेट स्कोर है तो आप भी एलिजिबल हैं सो एम एस है, so, है बट आप इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग बायोमेड इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं और गेट भी है तो आप एलिजिबल हैं आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है क्वालिफाइंग एग्जाम मास्टर्स बैचलर्स कंप्लीट नहीं है फाइनल ईयर फाइनल सेम में है तो क्या है? Yes, आप एलिजिबल है ये आप एलिजिबल हैं नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है कि जिनके पास जिन भी कैंडिडेट्स के पास जे आर अवार्ड है या कोई और फेलोशिप है हैलेंट है या गेट क्वालिफिकेशन है, है तो आपको इंक्रेज किया गया तो बेसिकली प्रेफरेंस आपको मिलेगी नेक्स्ट यहाँ पे है स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया यूज किया जा सकता है तो देखिए एक और क्वेश्चन होता है कि क्या है शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया गेट का स्कोर इतना है या आपकी रैंक इतनी है तो क्या आपका सिलेक्शन होगा ट्रस्ट मी मुझे आइडिया अभी तक नहीं है आपने देखा होगा मैंने ऐसा कोई वीडियो बनाया भी नहीं है जिसमें मैं जस्ट कि क्या होगा कैसे होगा एंड आई थिंक ये गेस वर्क ही होता है बिकॉज आपको नहीं पता कि किस आ, कितने कैंडिडेट्स ने किन रैंक्स वाले कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है तो इसी वजह से Uh, मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप uh, देखिए इसमें ये नहीं लिखा है ना कि गेट स्कोर इतना हो तभी तो अप्लाई करें बस वैलिड गेट हो तो अप्लाई कर सकते हैं देन इट विल डिपेंड कि क्या अप्लीकेशन आए हैं किन कैंडिडेट्स के उसके बेसिस पे एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है ठीक है सो so, यस yes, बाकी अब आपने अगर एक से ज़्यादा बार अप्लाई किया है तो मैं भी आपको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में नेक्स्ट यहाँ पर है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन जो जनरल इन्फॉमेशन्स हैं तो आप इनको देख लीजिए एंड अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो भी एप्लीकेंट्स हैं जो कि पेरेंट लाइक आप अभी एम्प्लॉयड है, हैं आप वर्क करें किसी रेपटेड आर एंड डी ऑर्गेनाइजेशन या लैब में एंड आप पी करना चाहते हैं तो बिना गेट क्वालिफिकेशन के भी आप अप्लाई कर पाएंगे बट ऑफकोर्स आपको असिस्टेंटशिप वगैरह पे नहीं की जाएगी ठीक है एप्लीकेशन फ़ी वगैरह हमने ऑलरेडी देखी है यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं सो so, एक बार हम अब दूसरे किसी डिपार्टमेंट के ब्रोशर को ओपन करते हैं सो so नेक्स्ट यहाँ पे लिबरल आर्ट्स के नोटिफिकेशन सॉरी आई मीन ब्रोशर है सो so एरियाज सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किए गए हैं सो एक्सटर्नल कैटेगरी तो ब्रैकेट में जो आप देख रहे हैं वो कैटेगरीज है तो पहला एंथ्रो सोशलॉजी है जो कि अवेलेबल है एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए फॉर पार्ट टाइम पी एच डी राइड नेक्स्ट कॉम्पिनेटिव साइंसेज है तो जे आर एफ ऐसे हमारे एम ओ ई फेलोशिप्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे तो इसे भी देखना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज़ तो जो एम ओ ई लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वो आई थिंक जो इनकी अपनी फेलोशिप है वो भी काउंट होनी चाहिए इसमें बिकॉज वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से मिलती है तो इसे आप चाहें तो एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा एंड इसके अलावा सब्जेक्ट्स में लिंग्विस्टिक्स डेवलपमेंट स्टडीज साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स अवेलेबल है देन यहाँ कैटेगरीज है तो देखिए यस yes, लिखा भी है एम का मतलब वही है जो मैंने बोला इंस्टीट्यूट फेलोशिप सो एम इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी है जो फुल टाइम प्रोग्राम एंड आपको फेलोशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी एंड ये वाली कैटेगरी सब में है एक्सेप्ट uh, 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 एंथ्रो ओ ओके फर्स्ट वाले में नहीं है बाकी सभी में अवेलेबल है नेक्स्ट जे आर एफ या कोई और फेलोशिप है जो आपको किसी और सोर्स से मिले एक्सटर्नल कैटेगरी है आप वर्किंग प्रोफेशनल आप अप्लाई कर रहे हैं क्या है क्राइटेरिया सो so, फेलोशिप के लिए जो या एम ओ ई वाले कैटेगरी के लिए फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ मास्टर्स है तो आप एलिजिबल हैं ऑल्सो आपके पास नेट या गेट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तो बिना नेट गेट के आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी बेसिकली नेक्स्ट आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो आप इंटरव्यू टेस्ट या दोनों या जो भी होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली रिटर्न होगा फिर इंटरव्यू होगा ओके एविडेंस वगैरह देने होंगे एंड बाकी जे आर एफ या कैटेगरी के लिए आपके पास क्राइटेरिया uh, जो मास्टर्स का है वो सेम है फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स का एंड बाकी जे आर एफ होगा या फेलोशिप मिलनी हो तो आप एलिजिबल होंगे एक्सटर्नल में आपके पास फिफ्टी फाइव परसेंट के साथ मास्टर्स होना चाहिए साथ में आप कई और एम्प्लॉयड हैं एंड आप पार्ट टाइम पी एच डी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एन ओ सी वगैरह प्रोड्यूस करना होगा एंड uh, जो मिनिमम एक्सपीरियंस है टू ईयर्स का मास्टर्स के बाद वो होना चाहिए ठीक है देन यहाँ सबमिट करने का प्रोसीजर है सो एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं करना है लिंक वगैरह दिखा दिया है आपको एंड आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में भी हो सो so, मेंशन कर दीजिएगा एंड आपसे आपको, आपको मतलब जैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा तो पहले आप अपनी अप्रोप्रिएट कैटेगरी uh, को फर्स्ट चॉइस रखिएगा ठीक है एंड बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाई करते टाइम कैटेगरी डिसिप्लिन सब मैंशन अच्छे से करिएगा नेक्स्ट सेलेक्शन तो ऑफ कोर्स आई यू ऑलरेडी नो दिस देन फेलोशिप रिजर्वेशन अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे मैंशन किए गए हैं कोई भी इशू है तो इस ई मेल आई आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आई एम रियली होपफुल कि आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स मिलेगा तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा अगर कोई इशू है तो सो येस नाउ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री तो बिकॉज इंजीनियरिंग आर्ट्स डिस्कस किया तो एक साइंस के डिपार्टमेंट को भी डिस्कस कर रहे हैं तो स्क्रॉल करेंगे तो एरियाज़ फैक्ल्टी की इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं ये सभी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल हैं सो तो, इसी तरह से स्क्रॉल करते रहेगा तो आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी का सेक्शन सो येस यहाँ पर आप क्राइटेरिया देख सकते हैं रेगुलर कैंडिडेट रेगुलर पी एच डी का अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए केमिकल साइंस में अच्छे अकेडमिक रिकॉर्ड के साथ वैलिड गेट हो या इंस्पायर फेलो हो या जे हो या कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट भी है ओके अब स्पॉन्सर्ड में कैटेगरी ए है कैटेगरी बी है कैटेगरी ए वो कैंडिडेट्स हैं जो स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स के अंडर वर्क कर रहे हैं आई टी हैदराबाद के ठीक है एंड गेट स्कोर है कैटेगरी बी वो है जो किसी और आर एन डी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहे हैं ठीक है सिलेक्शन प्रोसेस सो पहले टेस्ट हो डिपेंड करेगा कितने एप्लीकेशन है उसके बेसिस पे रिटर्न हो देन इंटरव्यू हो सकता है सिर्फ रिटर्न हो सकता है आई मीन सिर्फ इंटरव्यू भी हो सकता है सो क्या आपको बाद में बता दिया जाएगा लास्ट डेट बता दी है पोर्टल पर विजिट करने को ही लिखा गया है एंड डिटेल्स वगैरह अच्छे से फिल कर दीजिएगा जो भी मार्क्स वगैरह अगर पूछे गए हैं ठीक है थीके? तो वो सभी गलत मत करेगा उसे एंड बाकी यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इन्हें भी आप देख सकते हैं सो यस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको ई मेल दिख रही है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो यस गाइस देखिए इसी तरह से आप अपने डिपार्टमेंट के ब्रोशर को देख लीजिएगा अगर मैं सम करूं इस पूरे वीडियो को तो सबसे पहली बात है क्राइटेरिया तो थोड़ा सा वेरिंग है ठीक है लिबरल आर्ट्स साइंसिस एच एस आई I मीन mean, एच के लिए सोशल साइंसिस के लिए 55 परसेंट मार्क्स का क्राइटेरिया है कुछ जगह पे बस गुड अकेडमिक रिकॉर्ड लिखा है कुछ पे नहीं तो आई थिंक साइंस इंजीनियरिंग के लिए सिक्सटी परसेंट तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा हो तभी आप अप्लाई करिए अदरवाइज आई थिंक क्राइटेरिया में सिक्सटी तो मेरे ख्याल से होगा ही ओके फॉर साइंसिस एंड इंजीनियरिंग मिनिमम ज्यादा भी जा सकता है कोई उसमें आ, कोई शक नहीं है आई कैन से सो so, येस yes, इसके अलावा फेलोशिप कैटेगरीज जहां पर अवेलेबल है वहां मिलेगा एंड नेट गेट की रिक्वायरमेंट ये so, आपने सी एफ टी आई से बैचलर्स किया हुआ हो एट सी एपी उससे ज्यादा से तब आप एग्जाम हैं अदरवाइज जितने हमने देखे उन सभी में नेट एल एस या जी आर एफ या जो बाकी क्वालिफिकेशन हैं सो so, वो डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पर ठीक है तो डिपार्टमेंट के ब्रोशर को कहाँ से डाउनलोड करना है बता दिया ठीक है इस पर क्लिक करेंगे हो जाएगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट कहाँ से देखनी है डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे देन जिस भी डिपार्टमेंट के हैं उसकी वेबसाइट पे विजिट करके देख लीजिएगा ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फेलोशिप अगर फेलोशिप कैटेगरी में अप्लाई करें तो थर्टी वन थाउजेंड फेलोशिप अवेलेबल है आपको मिलेगी अगर आपका एडमिशन होता है तो ओके एंड आई थिंक ये बाकी प्रोसेस में तो रिटर्न uh, होने के पूरे पूरे चांसेस हैं बिकॉज एप्लीकेशन तो जाते ही हैं आर में बट नहीं भी हुआ तो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है बट चांसेज ऑफलाइन के हैं बट हाइब्रिड मोड से भी हो सकता है तो हो सकता है ऑनलाइन का भी ऑप्शन मिल जाए आपको बट आई एम नॉट श्योर तो आप अपने डिपार्टमेंट के ब्रोशर में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर विजिट करके जो वेबसाइट पर स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर जनरल क्वेरी है कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए ओके नेक्स्ट यहाँ पे येस आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोर्टल एक्टिव आई मीन पोर्टल ओपन होगा देन यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं ठीक है तो फाइनली आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे ये ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपको जाननी चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ मिस किया हो मैंने तो मुझे बता दीजिएगा कुछ गलत किया हो मैंने तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सर्च इंफॉर्मेशन अपडेट्स एंड एवरी थिंग राइट एंड लास्ट थिंग कि अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए इसे लाइक कर दीजिए एंड Yes, thank you so much for watching this video.